हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब 19वीं आयत से 28वीं आयत तक। तब बास यहूदियों ने अंताकिया और कूनिया से आकर लोगों को उभारा और पौलुस को संसार किया और ये समझ कर कि ये मर गया है उसे शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए तो वह उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबा को चला गया। और जब वो शहर में बशारत देकर बहुत से शागिर्द कर चुके तो लुस्त्रा और कूनिया से होते हुए अंताकिया में वापस आ गए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत करते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में दुआ और रोज़े के साथ हाथ रख कर उनके लिए कहन मुकरर किए और उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे और पसीदिया से होते हुए पंफूलिया में पहुँचे और परचा में खुदावंद का कलाम सुनाकर अतालिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर अंताकिया में आए जहाँ उस काम के लिए खुदा के फजल के सपुर्द किए गए थे जो उन्होंने अब मुकम्मल किया और पहुँचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या कुछ किया और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया और वह शागिर्दों के पास मुद्दत तक रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।